बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। वहीं अलूबा महादेव मंदिर पानी में डूब गया है। भारतीय मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। केरल के कोच्चि में भारी बारिश के बाद गुरुवार को अलुवा महादेव मंदिर तक जाने वाली सड़क और मंदिर पानी में डूब गया। इसके बावजूद श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी देखने को नहीं मिली। उन्होंने अपने लिए इसे अलग एहसास बताया। It's a really nice experience after coming here and the temple is very superb. I come here with my cousins. She's my sister. She lives here and the temperature was superb over here. ഇവിടെ മഴ നല്ലതാണ്. ഇവിടെ പണ്ടൊന്നും വെള്ളം ഉണ്ടായില്ല, ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളം മുമ്പ് വന്നപ്പോൾ. ബട്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും എൻ്റെ കസിൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന്. അവരെ കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നത് ഇവിടെ. ബട്ട് ഇവിടെ വെള്ളമൊക്കെ ആയ കാരണം ഇവർ ആകെ ഇതായിരുന്നു, ലൈക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ കറങ്ങി വന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് നനഞ്ഞിരിക്കുകയല്ലേ എന്നിട്ട് കയറാന്നൊക്കെ. എന്നിട്ട് കയറിയിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്നായി ദർശനമൊക്കെ ചെയ്ത് വന്നു. അൽവ ശിവ ടെമ്പിൾ അപ്ലോക്ക് ദേഖ് സക്തേ ഹേ. यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि हम दूर से आए हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए बाबा का, लेकिन यहाँ बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है. आप देख सकते हैं कि बारिश में हम ऐसा भीग भीग के गए हैं बाबा का दर्शन करने के लिए. अधिकतर लोग आए हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन बहुत लोग वापस ही घूम गए हैं, दर्शन नहीं कर पाए हैं. यहाँ से ऊपर है बाबा का मंदिर, बहुत लोग वहाँ जाके दर्शन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ने यहाँ पर भीग भीग के ही दर्शन किया है. केरल के कई हिस्सों में जारी बारिश के बीच भारतीय मौसम विभाग ने गुरुवार को उत्तरी केरल के जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 9 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. ऑरेंज अलर्ट का मतलब है 11 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक बहुत भारी बारिश, और येलो अलर्ट का मतलब है 6 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर के बीच भारी बारिश.